राजस्थान के अलवर जिले की कृषि मंडियों में अभी सरसों की आवक कम है। इन दिनों पूरे जिले में प्रतिदिन सरसों के करीब 10,000 कट्टे की आवक देखने को मिल रही है। आगे आने वाले दिनों में सरसों की आवक में तेजी होने की संभावना कम है। जिले में इस बार सरसों की बंपर बुआई हुई है और इस साल सरसों की बुआई 2,80,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2,000 हेक्टेयर ज्यादा में की गई है। वहीं जानकारों का कहना है कि अभी मौसम सरसों के अनुकूल है, जिसके कारण माना जा रहा है कि इस बार सरसों की उपज बेहतर होगी। वहीं इस बार प्याज की फसल में किसानों को नुकसान उठाना पड़ा था। प्याज से परेशान किसान अब सरसों से मुनाफा कमाने के लिए उत्साहित हैं। वहीं व्यापारिक संचालन समिति के अध्यक्ष का कहना है कि अभी सरसों के भाव लगभग 6,000 से 6,500 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिल रहे हैं। किसानों को सरसों के भाव अभी और बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल सरसों की नई फसल आने पर दामों में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन बंपर पैदावार होने से सरसों के तेल के भाव में स्थिरता रह सकती है। वहीं अलवर जिले में सरसों तेल के थोक भाव 145 रुपए प्रति लीटर है, जबकि रिटेल भाव 170 रुपए। आगे तेल कारोबारियों का कहना है कि सरसों तेल के भाव अभी फिलहाल स्थिर हैं। अलवर के सरसों तेल की मांग कई राज्यों में होती है। अलवर के सरसों तेल की मांग पिछले महीने खूब रही। शादी ब्याह के दिनों में अलवर के सरसों तेल की मांग अक्सर बढ़ जाया करती है। ऐसे में व्यापारी मानकर चल रहे हैं कि आगे सरसों की कीमतों में तेजी बन सकती है और इस बार सरसों की अगर पैदावार अच्छी हुई तो सरसों तेल के भाव स्थिर रह सकते हैं। अलवर के कच्ची घानी तेल की मांग कई राज्यों में नए सरसों आने के बाद और तेज होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में किसान उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरसों के भाव अभी और तेज होने की संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।